जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, आवश्यक सूचना जारी किया गया है। वैसे सभी अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण होगा जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि बीपीएससी के द्वारा यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा ये दिया गया है तो इसे जरूर देखें और समझें और जानने का प्रयास करेंगे किनके लिए जरूरी सूचना है। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, आवश्यक सूचना है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 की कंडिका 8 के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में नोट यानी 2 के क्रमांक संख्या 9 के नोट को संशोधित करते हुए बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, आईजीएमएस इत्यादि से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि इससे पहले देखिएगा तो जो दिया गया था कि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ये नहीं था, लेकिन इसमें ये जोड़ दिया गया है। और विद्यार्थी आप देखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी को अभी भी ये उम्मीद है और उम्मीद होना भी चाहिए कि कहीं इसी प्रकार से नोटिस सरकार और आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाए और तब भी बीपीएससी नोटिस जारी करे कि जो भी अभ्यर्थी जुलाई वाले हैं वो भाग लेंगे। लेकिन वह अभी इसमें नोटिस में नहीं है। अंत तक वीडियो को देखिएगा क्या है कैसे है। इत्यादि से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा, आवश्यक सूचना प्रकाशित किया गया है गया था। दिव्यांगता अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नांकित संशोधन किया जाता है। बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित यानी संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। संपुष्ट कहने का अर्थ हुआ कि जाँच होता है उसके बाद किया जाता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी सिविल सर्जन CMO द्वारा निर्गत समर्पित करने की तिथि में उम्मीदवार औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आयोग का, बीपीएससी आयोग का साफ कहना है, शिक्षक क्लास 1-5 सामान्य अध्ययन की बुक आचलिए आपको दिखाता हूँ। ये 30 मई 2023 के हिसाब से जो बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन दी गई थी 120 प्रश्नों का, इसमें वो सारे क्वेश्चन 120 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जो भी टॉपिक्स है वो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। कि यदि आप जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट देंगे वह प्रमाण जब आपका फाइनल होगा उस समय आयोग जांच कराएगी और उसको भी संपुष्ट करेगी, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। यदि उसमें आप सही नहीं पाए जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपका उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। उसके बाद है दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 6/6/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए विज्ञापन की सेवा शर्तें यथावत रहेगी। यानी अन्य जो नियम कानून है अभी भी यथावत है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण बिहार लोक सेवा आयोग पटना 14/6/2023 यानी कि आज का ये नोटिस है। एक बात सभी अभ्यर्थी से बता दें, जो भी अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग को दिया जाए, जुलाई वाले अभ्यर्थी को दिया जाए, उनके लिए अभी तक कोई वैसा नोटिस नहीं आया है। अभी भी लगातार अभ्यर्थी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सरकार से, आयोग से, मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, लेकिन देखिए उन पर कब तक विचार किया जाता है। उन पर भी विचार कर लिया जाता तो अच्छा रहता, ताकि वो भी संख्या के दृष्टि से जिस तरीका से शिक्षा विभाग और आयोग ने सोचा कि दिव्यांगजनों की संख्या अधिक है तो इसलिए और अधिक बढ़ा दिया गया ताकि वहां से भी बनवा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जुलाई वाले अभ्यर्थी का संख्या भी ज्यादा है, यदि उनके लिए भी कोई कार्रवाई की जाती है तो अच्छा होगा। तो आप सभी से बोलेंगे कि इस वीडियो को थोड़ा सा मैक्सिमम शेयर करें ताकि सरकार और आयोग तक पहुंचे और आपको भी संख्या के अनुपात में ये दे दिया जाए ताकि आप भी भरकर एक मौका ले सकें।
क्योंकि अभी भी बीपीएससी में ये कैलेंडर जारी होता है, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक बहाली इस बार हुई तो फिर 2 साल बाद होगी कि 1 साल बाद होगी कि 4 साल बाद होगी, इसका कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है। यदि शिक्षा विभाग के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा ये कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि इस बार हुआ, इसके 1 साल बाद भी होगा, आगे भी होगा, तब अभ्यर्थी थोड़ा सा अच्छा हो जाते, उनको भी शांति मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वो टेंशन झेल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।